नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भूमध्य सागर में उठे तूफान डेनियल से लीबिया में भारी तबाही, 3000 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका, हजारों लापता। बाढ़ में बह गया डेरना शहर का एक चौथाई हिस्सा। भारी बारिश के बाद दो बांधों के टूटने से हुई भीषण बर्बादी। राहत और बचाव कार्य जारी, कई देशों ने बढ़ाए मदद के हाथ। मोरक्को में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 3000 के पार। मलबों से जिंदगियां तलाशने का सिलसिला जारी। राहत बचाव में कई देश कर रहे हैं मदद। यूरोपीय संघ ने 1 मिलियन यूरो की मदद की घोषणा की। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर ट्रेन से रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। पुतिन से होगी बातचीत, अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान। बैठक में रूस किम जोंग उन से भारी हथियार और मिसाइलें मुहैया कराने का कर सकता है अनुरोध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, संसाधनों के खत्म होने के बाद ही यूक्रेन शांति वार्ता के लिए होगा तैयार। कहा, यूक्रेन को रूस के साथ वार्ता पर प्रतिबंध वाले राष्ट्रपति आदेश को लेना चाहिए वापस। ताइवान पर तिरछी नजर गढ़ाए चीन ने। ताइवान के जलडमरू मध्य के आसपास फिर बढ़ाई सैन्य गतिविधियां। ताइवान ने पिछले 24 घंटों के दौरान अपनी सीमा के पास चीन के करीब 22 सैन्य विमान और 20 जहाज देखने का किया दावा। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। लीबिया में तूफान और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। शहर के शहर बाढ़ के कारण पानी से भर गए हैं। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। मरने वालों का आंकड़ा महज 24 घंटे में 700 से 3000 हो गया। लापता लोगों की तादाद भी सोमवार से मंगलवार के दरमियान 200 से सीधा 10,000 पर पहुंच गई है। लीबिया का डेरना शहर, हर तरफ पानी ही पानी और तबाही मचाते पानी में दम तोड़ती जिंदगियां। सोमवार को आए विनाशकारी तूफान के बाद सैलाब ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। शहर के शहर आसमान से बरसती आफत के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि देश की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बांधों के टूटने से पूर्वी शहर डेरना का लगभग एक चौथाई हिस्सा तूफान की वजह से नष्ट हो गया है। बाढ़ और तूफान के कारण इमारतें जमींदोज हो गई हैं। समुद्र से लेकर घाटियों तक हर तरफ शव बिखरे पड़े हैं। अपनों का जाने का गम और हादसे का खौफनाक मंजर लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ हालात बहुत ही खराब हैं। हम लोग कल से सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हमारे पास रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं हमारा क्या होगा। लीबिया के पूर्वी हिस्से में हालात अब तक बेकाबू हैं और यही वजह है कि मरने वालों का आंकड़ा महज 24 घंटे में 700 से 3000 हो गया। लापता लोगों की तादाद भी सोमवार से मंगलवार के दरमियान 200 से सीधा 10,000 पर पहुंच गई है। लीबियाई रेड क्रिसेंट से हमें पांचों शहरों में लापता लोगों के बारे में जो शुरुआती आंकड़े मिल रहे हैं उनके मुताबिक 10,000 लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं लीबियाई सरकार द्वारा प्रभावित इलाकों में खाद्य और राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। उधर लीबिया के सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार ने बताया कि इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हमने सरकार को नुकसान का आकलन करने के लिए एक विशेष समिति बनाने, परिवहन की सुविधा के लिए सड़कों का पुनर्निर्माण तुरंत शुरू करने, बिजली बहाल करने और उस संबंध में सभी तत्काल और आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है। डेरना में बिजली या संचार सेवा भी ठप हो गई है।
उधर बचाव अभियान में लगे कई सैनिकों के भी लापता होने की खबर है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश में मौजूद चुनिंदा एयरपोर्ट्स इस लायक नहीं बचे हैं कि वहां कोई हेवी या कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। यही वजह है कि यहां मदद पहुंचाना भी मुश्किल है। डेरना सचमुच एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में अलबायदा, अलमर्ज, कयाकब और मिचेली हैं जो पूरी तरह से कट गए हैं। हमारा संपर्क टूट गया है। बाढ़ और जान माल की हानि के साथ यह एक विनाशकारी स्थिति है। वहीं इस मुश्किल घड़ी में लीबिया की सहायता के लिए दुनिया भर से मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। तुर्की ने लीबिया में बचाव दल और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 3 विमान भेजे हैं, जिनमें लगभग 168 बचाव कर्मियों के अलावा सैकड़ों टेंट, जनरेटर, भोजन और कपड़ों के साथ चिकित्सा सामग्री है। इसके अलावा यूएई ने भी अपने विशेष विमान के जरिए बाढ़ग्रस्त प्रभावित इलाकों के लिए मदद भेजी है। उधर यूनिसेफ ने 10,000 लोगों के लिए किट और महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री के साथ 500 बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने लीबिया को तत्काल सहायता की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। और आइए अब बात करते हैं मोरक्को की। मोरक्को में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। 4 दिन के बाद भी मलबे में लाशों की तलाश जारी है। जो बच गए हैं वो मौसम की मार के बीच शिविरों और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। भूकंप के बाद स्पेन, ब्रिटेन और कतर की टीमें भी मोरक्को में बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं। तबाही के 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन मलबों से जिंदगियों को तलाशने का सिलसिला जारी है। मोरक्को के ताल याकूब कस्बे में हर तरफ बर्बादी का मंजर ही नजर आ रहा है। राहत बचाव दल और खोजी कुत्ते इन मलबों में सांसों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ सांस की आस भी टूटती जा रही है, लेकिन बचाव दल इस उम्मीद के साथ एक एक ईंट को हटाकर बारीकी से देख रहा है कि शायद कोई जिंदा मिल जाए। कई बार उन्हें कामयाबी भी हाथ लग जाती है, लेकिन अक्सर उन्हें जमींदोज घरों से सिर्फ लाशें ही मिल रही हैं। इस भीषण भूकंप के अब तक हजारों लोग भेंट चढ़ चुके हैं और जो बच गए हैं वो मौसम के मार के बीच शिविरों या फिर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अपनों का जाने का गम और हादसे का खौफनाक मंजर उन्हें परेशान कर रहा है। शायद इससे उबरने में उन्हें अभी लंबा वक्त लगेगा। अब हम लोगों के रहने के लिए तंबू की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने घर खो दिए हैं या उनके घर तबाह हो गए हैं। हमें महिलाओं और बच्चों के लिए भी आश्रय की जरूरत है। इस समय लोग बाहर सोने पर मजबूर हैं। भविष्य के लिए अधिकारियों ने हमें अपना गांव बचाने के लिए एक अलग जगह दी है, क्योंकि इस गांव पर विनाश का खतरा है, क्योंकि इसके नीचे पानी है। हमारे इलाके का बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट हो गया है। हाई एटलस पर्वत के गांव को तबाह करने वाले इस भीषण आपदा में करीब 3,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 2,500 से ज्यादा घायल हुए हैं। भूकंप के बाद स्पेन, ब्रिटेन और कतर की टीमें भी मोरक्को में बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। निश्चित रूप से हमने अभी उम्मीद नहीं खोई है और हम कभी हार नहीं मानने वाले हैं। हमें लगता है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं, शायद उनमें से काफी लोग अभी भी जिंदा हों। आपदा के इस समय में मानवता का चेहरा भी देखने को मिल रहा है। देश भर के लोग और दूसरे देशों के सैलानी घायलों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में दुनिया भर से मोरक्को के लिए मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन ने मोरक्को की मदद के लिए 60 सदस्यीय दल भेजा है, जिसमें बचाव विशेषज्ञों के साथ साथ 4 खोजी कुत्तों की टीम भी शामिल है। इसके अलावा स्पेन ने भी 56 अधिकारियों और 4 खोजी कुत्तों के साथ राहत और बचाव दल मोरक्को भेजा है। वही कतर के भी 4 विमान राहत सामग्री के साथ साथ बचाव दल को लेकर मोरक्को पहुँचे हैं। इसके अलावा मोरक्को के भूकंप ग्रस्त प्रभावित इलाकों में फिर से व्यवस्था बहाल करने के लिए रेड क्रॉस ने पूरी दुनिया से $100 मिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की अपील की है।
हम मोरक्कन रेड क्रिसेंट के साथ अपने कार्यों को और बढ़ाने के लिए अपील कर रहे हैं। इस अपील में हम इस समय सबसे अहम जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 मिलियन की मांग कर रहे हैं। बहरहाल भूकंप पीड़ितों को अब तक बचाव और राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिनकी उन्हें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस आपदा से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मामलों पर अपने विचार खुलकर रखे हैं। सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित आर्थिक मंच में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान मिलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तभी तैयार होगा जब उसके सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे। और क्या कहा पुतिन ने, ये रिपोर्ट देखिए। रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित आर्थिक मंच में बोलते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से युद्ध में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, बल्कि इससे संघर्ष और लंबा खींचेगा। साथ ही पुतिन ने रूसी सेना में फिर से बड़े पैमाने पर भर्ती की जरूरत के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हर दिन 1000 से 1500 जवान रूसी सेना में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तभी तैयार होगा जब उसके सभी संसाधन खत्म हो जाएंगे। जब यूक्रेन के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे तभी वो शांति वार्ता की बात करने के लिए तैयार होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय को रोकने का पश्चिमी प्रयास विफल होगा। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों को लेकर चलाए जा रहे मुकदमों पर पुतिन ने कहा कि इससे पता चलता है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह सड़ चुकी है। उन्होंने ट्रंप पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की सड़न को दर्शाता है जो दूसरों को लोकतंत्र सिखाने का दावा नहीं कर सकता। ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है वह राजनीति से प्रेरित है। उधर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के लिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं। किम जोंग उन की रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होनी है। व्लादिवोस्तोक शहर रूस और उत्तर कोरिया की सीमा से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है। किम जोंग उन की रूस की यह दूसरी यात्रा है। रूस पहुंचने के बाद किम जोंग उन एक वीडियो में अपने अधिकारियों के साथ बैठे हुए देखे जा सकते हैं। क्रेमलिन ने सोमवार को किम की यात्रा को लेकर कहा था कि ये रूसी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हो रही है। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात में पुतिन उनसे यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए भारी हथियार और मिसाइलें मुहैया कराने का अनुरोध कर सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी भी ऐसे ही दावे कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। यही वजह है कि पुतिन किम जोंग उन के साथ हाथ मिला रहे हैं। पश्चिमी देश पहले से ही उत्तर कोरिया पर रूस को रॉकेट और मिसाइलें देने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि अगर हथियार दिए गए तो नए प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया जाएगा। हम उन प्रतिबंधों को लागू करना जारी रखेंगे और उचित रूप से नए प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेंगे। अगर पुतिन और किम जोंग उनके बीच हथियारों को लेकर कोई डील होती है तो जाहिर है कि इससे यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस को फायदा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा। उत्तर कोरिया भी अपने आक्रामक रुख के कारण बरसों से प्रतिबंध का सामना कर रहा है। वहां रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजों की बड़ी किल्लत है। कहा जा रहा है कि अगर बात बनती है तो बदले में किम जोंग उन पुतिन से उपग्रह और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए उन्नत तकनीक के साथ साथ अनाज भी उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस की यात्रा पर हैं। वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंचे हुए हैं और इस यात्रा में उनकी ट्रेन एक बार फिर सुर्खियों में है। किम जोंग के पिता और उनके दादा भी विदेश यात्रा के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल करते थे। ऐसा क्यों और कैसी होती है किम जोंग की ट्रेन, इस रिपोर्ट में देखिए।
विश्व स्तर पर अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया का नेतृत्व सुरक्षित यात्रा के लिए शुरू से ही विशेष बख्तरबंद रेलगाड़ियों पर ही निर्भर करता रहा है। इन ट्रेनों को घर और दफ्तर दोनों का दर्जा दिया जाता है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी रूस यात्रा के लिए जिस गहरे हरे रंग की ट्रेन का इस्तेमाल किया वो परिवहन का एक धीमा लेकिन विशेष साधन है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के यात्रीय विमानों के पुराने बेड़े की तुलना में बुलेट प्रूफ ट्रेनें एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के लिए अधिक सुरक्षित और आरामदायक हैं। भोजन और अन्य सुविधाओं के साथ साथ बैठकों से पहले एजेंडे पर चर्चा करने के लिए इसमें बेहतर जगह होती है। 2011 के अंत में नेता बनने के बाद से ही किम जोंग उन ने चीन, वियतनाम और रूस की अपनी पिछली यात्राओं के लिए ट्रेनों का उपयोग किया है। इसके सारे डिब्बे बख्तरबंद हैं जिस पर गोली बारूद का असर नहीं होता है। उनका विमान पुराना है, ठीक से रख रखाव नहीं किया गया है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो इससे उबरने का उन्हें समय नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे लगता है कि वो ट्रेन को ही प्राथमिकता देते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरियाई नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में कितनी ट्रेनों का उपयोग किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा के कारण उत्तर कोरियाई नेताओं ने कई ट्रेनों का उपयोग जरूर किया होगा। बताया जाता है कि हर ट्रेन में 10 से 15 बोगियां होती हैं, जिसमें कुछ का उपयोग केवल नेता ही करते हैं, जबकि अन्य डब्बे में सुरक्षा गार्ड और चिकित्सा कर्मचारी होते हैं। उत्तर कोरिया के प्राचीन रेल नेटवर्क का मतलब है कि लग्जरी ट्रेनें भी केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से यात्रा कर सकती हैं। जानकारों का मानना है कि रूस और उत्तर कोरिया रेल पटरियों के अलग अलग गेज का उपयोग करते हैं, लिहाजा उन्हें रूस पहुँचने पर ट्रेन का पहिया बदलना पड़ा होगा। किम ट्रेन से पूरे देश को कहीं से भी कमांड कर सकते हैं, उन्हें ट्रेन में ही फैक्स और ईमेल मिल सकते हैं। किम ट्रेन में घर जैसा आराम महसूस कर सकते हैं। किम ने मार्च 2018 में चीन की राजधानी बीजिंग की यात्रा ट्रेन से की थी। 2018 में जारी एक वीडियो में किम को गुलाबी सोफे से ढके एक चौड़ी ट्रेन कार में शीर्ष चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात करते दिखाया गया था। हालांकि उन्होंने शहर के अंदर यात्रा करने के लिए अपनी पसंदीदा मर्सिडीज बेंज एस क्लास का इस्तेमाल किया था। उत्तर कोरिया के संस्थापक नेता और किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग 1994 में अपनी मृत्यु तक अपने शासन के दौरान नियमित रूप से ट्रेन से विदेश की यात्रा करते थे। वहीं उनके पिता किम जोंग इल 3 बार रूस की यात्रा पर गए और हर बार ट्रेन का ही प्रयोग किया। किम जोंग इल की 2011 में दिल का दौरा पड़ने से ट्रेन में ही मौत हो गई थी। उनकी समाधि पर एक ट्रेन और एक गाड़ी को रखा गया है। पिछले साल उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने किम जोंग उन को एक सफेद ट्रेन कार में मकई की फसल पर चर्चा करते हुए मकई के पत्तों को छूते और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। ताइवान का दावा है कि चीन लगातार ताइवान की सीमा के आसपास कई दिनों से अपने घातक युद्धपोतों और विमानों को तैनात कर रहा है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने आग में घी का काम किया है। ताइवान पर तिरछी नजरें गाड़े चीन की सेना ने कई महीनों की खामोशी के बाद एक बार फिर क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। चीन लगातार ताइवान की सीमा के आसपास कई दिनों से अपने घातक युद्धपोतों और विमानों को तैनात कर रहा है। ताइवान ने एक बार फिर अपने सीमा के निकट पिछले 24 घंटे के दौरान 22 सैन्य विमान और 20 जहाज देखने का दावा किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि चीन और ताइवान के बीच एक अनौपचारिक सीमांकन क्षेत्र को चीन के 13 विमानों ने पार किया है। ताइवान का दावा है कि चीन रोजाना अपने विमान और युद्धपोत सीमा के निकट भेज रहा है। ताइवान जल डमरू मध्य के आसपास जल क्षेत्र में बहुत सारी युद्धपोत गतिविधियां हुई हैं। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे युद्धपोत सक्रिय हुए हैं। ताजा तनाव रविवार को वियतनाम के दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान पर दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। बाद में व्हाइट हाउस की ओर से भी कहा गया कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके बाद सोमवार को चीन ने अमेरिका से स्पष्ट रूप से कहा कि वो देश को विभाजन करने के उद्देश्य से की गई किसी भी गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
हम चाहते हैं कि अमेरिका क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का पालन करे और आधिपत्य और शीत युद्ध की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़े। इस साल मई के बाद से ये दूसरी बार है जब जो बाइडेन ने ताइवान की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के सवालों का सकारात्मक जवाब दिया है। मई में जापान के दौरे के समय उन्होंने कहा था कि अमेरिका जापान और अन्य देशों के साथ एकजुट होकर चीन को ताइवान पर जबरन कब्जा नहीं करने देगा। इसके अलावा चीनी सेना की गतिविधियों में आई तेजी को अमेरिका और कनाडा की ओर से ताइवान जलडमरू मध्य के लिए रवाना किए गए जहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका नौसंचालन की स्वतंत्रता के अभियान के तहत नियमित रूप से इस क्षेत्र में अपने जहाज भेजता रहता है, लेकिन चीन इसे उकसावे वाली कार्रवाइयों के रूप में देखता है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता है। ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने तालिबान पर महिलाओं और लड़कियों पर चौंकाने वाले स्तर तक उत्पीड़न का आरोप लगाया। वोल्कर टर्क ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में बोलते हुए कहा कि उनके कार्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के 324 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें हत्याएं, ऑनर किलिंग, पिटाई और बाल विवाह की घटनाएं शामिल हैं। मानवाधिकार कार्यालय ने मार्च 2022 अगस्त 2023 की अवधि के दौरान अफगानिस्तान में कानून के शासन और मानवाधिकारों के व्यवस्थित प्रतिगमन का जिक्र किया है। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खास तौर से जगह दी गई है। टर्क ने कहा कि इसमें हिजाब ठीक से न पहनने के कारण महिलाओं को चौकियों पर तालिबानी प्रशासन द्वारा पीटा गया या उत्पीड़न, और अभिभावक की गैर मौजूदगी में महिलाओं को बाजारों से घर भेजने देने की घटनाओं के बहुत से मामले दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख राजनेता का कहना है कि उन्हें देश की संसद के अंदर लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैरन एंड्रयूज ने बिना नाम लिए एक पुरुष सांसद पर आरोप लगाया है कि वो उनकी गर्दन के बेहद करीब सांस लेता था और सदन में अभद्र टिप्पणियां करता था। ऑस्ट्रेलिया की संसद पहले ही बड़े पैमाने पर यौन दुर्व्यवहार की खबरों के कारण विवादों में घिरी हुई है। फरवरी में दोनों सदन सांसदों और कर्मचारियों के लिए नई आचार संहिता बनाने पर सहमत हुए। कैरन एंड्रयूज स्कॉट मॉरिसन की गठबंधन सरकार में सबसे वरिष्ठ महिलाओं में से एक थीं। वो उद्योग मंत्री और गृह मंत्री रह चुकी हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने के समर्थन की घोषणा की है। मैकार्थी ने कहा कि वो हाउस कमेटी को राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने का निर्देश दे रहे हैं। मैकार्थी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये कदम समितियों को अमेरिकी जनता के लिए सभी तथ्य और उत्तर एकत्र करने की पूरी शक्ति देगा। हाउस स्पीकर ने मंगलवार को दावा किया कि बाइडेन ने अपने परिवार के विदेशी व्यापार सौदों के बारे में अपनी जानकारी के बारे में अमेरिकी लोगों से झूठ बोला था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।